नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के एमपीएल में जेएमएम के बैनर तले मेन गेट के समक्ष धरने पर बैठे विस्थापितों द्वारा मुख्य गेट को जाम कर दिए जाने से एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। धरने पर बैठे विस्थापितों ने बताया कि एमपीएल द्वारा बाहरी लोगों को नियोजन दिया जा रहा है, परंतु यहां के विस्थापितों को नियोजन नहीं दिया जा रहा है। जमीन हमारी गई है तो नियोजन किसी और को क्यों मिले। हमारी मांग है कि हम सभी को एमपीएल द्वारा नियोजन दिया जाए। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे हैं समिति के महामंत्री रामरंजन मिश्रा ने बताया कि एमपीएल स्थापित हुए 12 वर्ष बीत गए, परंतु एमपीएल के साथ जो सहमति बनी है उसे एमपीएल पूरा नहीं कर रहा है। यहां तक कि उपायुक्त सीओ सहित कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें ये सहमति बनी कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको 2,250 रुपये करके महीने का दिया जाएगा। उस सहमति को भी 2 साल बीत गए, परंतु एमपीएल द्वारा इस पर किसी तरह का अमल नहीं किया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे एमपीएल पूरा नहीं कर रही है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर आज मुख्य गेट को जाम कर धरना दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम सबका धरना जारी रहेगा। लगभग 9 घंटे जाम के पश्चात निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा के धरना स्थल पर पहुंचकर सकारात्मक वार्ता होने के पश्चात परिचालन पुनः प्रारंभ हुआ। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। देखिए, अभी अशोक मंडल जी के द्वारा मैथन पावर लिमिटेड का जो मुख्य गेट है इसको बंद कर दिया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई है। एमपीएल प्रबंधन से भी हमारी वार्ता हुई, इनके द्वारा कहा गया है कि लिखित में इनके द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन इनके द्वारा यह बतलाया गया है कि 2 दिन पूर्व एमपीएल प्रबंधन और अशोक मंडल जी के बीच एक वार्ता हुई थी। वार्ता में कुछ मांगे थी, वो मांगों की पूर्ति नहीं हो पाई। उन्हीं मांगों की पूर्ति के लिए इन लोगों ने आज गेट को जाम किया है। इसमें से मुख्य मांग है एक महिला की कन्फ्यूजन है और कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है जिसमें बाहरी मजदूरों को लगाया गया है, वो एक इशू है। तीसरा एक इशू है कि कोई बाहर से कंपनी आई है जिनके द्वारा स्थानीय मजदूरों को नहीं रखने की बात कही जा रही है। अभी इस संबंध में एक त्रिस्तरीय वार्ता होगी जिसमें मैथन प्रबंधन, अशोक मंडल जी और प्रशासन के लोग रहेंगे। देखते हैं इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, इसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि ये गेट जाम अभी अगले 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसका आउटपुट कुछ रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण जिला का वरीय पदाधिकारी से बात हुआ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने 25 तारीख को एमपीएल और हम लोग के साथ बैठ के वार्ता कराएंगे। इसी विषय पर, इसी बात पर हम लोग इस एजिटेशन को आज विद्रोह कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रदर्शन शुरू होने के बाद हम लोग को जानकारी मिली है, इसका किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था, ना ही एमपीएल को, ना ही प्रशासन को, किसी को। अचानक ही लोग आए दिन इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जो पूर्णतः गैरकानूनी है। अभी लोग सीनियर पदाधिकारी से वार्ता की बात हुई है, उसके बाद ये लोग धरना समाप्त किया।